देता है कि हमारा 4 करोड़ नहीं ना देगा, इसको हम बंद कर देंगे। दोस्तों शाका को फेंक रहे हैं शेर के पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यार मैं भी ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूं यार, 91% लोगों ने यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार। मैंने अपनी जान पे खेल के इतने मुश्किल बनाए हैं और तुम जो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। रात को हमने जाना है उस लोकेशन पे जहाँ पे शाका ने लियो को बेचा था। शाका की चैन मेरे पास ही है, अब नजम लेकर आ रहा है उसको, फोटो से देखते हैं यार क्या सीन है। तो दो ग्लास तक देखना किधर रह गए यार। नजम लिया यार ले, किधर इतनी देर लगा दी है यार? मैं इसको उतार रहा था ऊपर से। चलो लोकेशन याद है ना? याद है। तो भाई जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। ले आ यार, इसको फेंक अंदर। चल भाई, अगर लियो ना मिला शाका तो तेरी खैर नहीं है। जल्दी बैठो, अभी हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे। शाका लियो ना मिला आज तो तेरी खैर नहीं है। छोड़ना नहीं है उस्मान मुझे, तुमने बहुत दिनों से रोका है, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। आज मैं उधर लेके जा रहा हूँ लियो के पास, आज का सारे मसले आपके हाथ का। बस ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको वहीं पे जाके। यार कितना रास्ता रह गया यार, इतनी दूर आ गए यार। यार आप टेंशन ना लो, हम लियो ही लेने जा रहे हैं। बस दुआ करो लियो हमें मिल जाए, ठीक है? के अल्लाह हाफिज। कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमें, वो बोल रहे थे यार लियो बस जल्दी जल्दी ले आओ। शाका देखा कुछ शर्म खा लिया थोड़ी सी, हो जाए यार, यार। तो नामी हो गई है यार। बस ठीक है यार, अब लियो लेके आने इंशाल्लाह। बस देखो गाड़ी में चला रहा हूँ, दुआ करो बस खैर खैरियत से हम लोकेशन पे पहुंचे। ओ भाई लोकेशन आ गई, जल्दी बाहर निकाल इसको। नहीं इसे यहीं रहने दे यार। वो भाई अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे जो आना था यार, उन्होंने यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या करें हम? मुझे लगता है इसको ना फोन करवाते हैं। हाँ हाँ, फोन पे पूछते कहाँ करें। बस ठीक है, फोन दे जल्दी कर यार। यार वो तो नंबर बन जा रहा है यार उसका। ये देख, मुझे लगता है ये शाका उनके साथ मिला हुआ है और हमारे साथ कोई गेम कर रहा है यार। वो फोन नहीं उठा रहा, उसका फोन बंद है, उसको पकड़ लेते हैं। अब मुझे ले चलो उधर अपने कमरे में, मुझे खाना खिलाओ, मुझे उधर ले चलो, वो फोन नहीं उठा रहा। अब मेरा इसमें क्या कसूर है यार, मुझे ये बताओ। दोस्तों अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, शाका मुझे लग रहा है दोबारा उनके साथ मिल गया। शाका यार तू मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, मुझे बता दे। भाई मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड करूंगा, मेरी ये बात बता। जब मैंने बोल दिया कि तेरा लियो लेके देता हूँ मैं, तो वो बंदे से आगे नहीं मिल रहा फोन, तो मैं क्या करूँ अब? दोस्तों अब हमें ना सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, दुआ करो। मुझे लग रहा है साजिश हो रही है तेरे और मेरे साथ, दोनों के साथ। भाई सुबह का टाइम मुझे दो, इसने कहा था रात को 8 बजे वो मिलेगा कमरे में बंद। यार मेरी बात सुन यार, अब उसका नंबर बंद है, हम क्या करें यार? उसका नंबर ही बंद है दोस्तों, दूर तक हमें लेके आ गया उसकी लोकेशन पे। इसको पता था सारा कुछ, इसको पता था कि उसका नंबर, इसने कहा होगा कि बंद कर दी नंबर। मोबाइल तो हमारे पास है, ये कैसे कह सकता है? मेरा फोन आपके पास 10 दिन से। यार शाका तू मिला तो नहीं हुआ उनके साथ? अबे भाई अगर मैं मिला होता मैं बात करता तो मेरे फोन मेरे पास होता, फोन तो मेरा आपके पास है। हाँ यार काफी दिन हो गए फोन हमारे पास यार। दोस्तों मैं सुबह तक ना इंतजार करना पड़ेगा यार। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ यार। शाका ने बहुत जलील किया, यकीन मानो इतना यार खपाया, लोकेशन पे गए रात के टाइम पे, कोई भी नहीं चीज हमारे हाथ में, ना वो भाई है ना लियो है। सुबह का हमें इंतजार है, दुआ करो बस सुबह को जाके ना हम लियो को पकड़ लेंगे। नजम शाका को पकड़ यार। ओए ओए वो देख शाका भाग रहा है, मेहरबानी। टोपी इसके लिए पकड़ते हैं, तुमने फिर भागने की कोशिश किया है? अबे मैं भाग जाऊंगा, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। नजम इसको लेकर आ घर में। दोस्तों सुबह हो चुकी है यार, रात ना शाका ने बहुत तंग किया, भाग गया था गाड़ी के अंदर से, तो मैंने ला के ना इसको कमरे में बंद कर दिया था। अभी जो है ना फौरन से निकालना और हमने जाना यार लियो वाली लोकेशन पे। दोस्तों रात को ना शाका को बहुत पटाई हुई है नजम से, तो अभी जो है ना शाका को हमने रात को मना लिया था। शाका कहता है जहाँ पे हमने जाके हारिस के साथ लियो को पकड़ाया था उस लोकेशन का, वो कहता है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आगे जाके तुम खुद ही डील कर लेना। तो अभी जो है ना इसका दरवाजा खोलते हैं। शाका हाँ क्या बात है, जाग। चल उठ, टाइम हो गया। किधर लेके जाएगा? उस लोकेशन पे जाना हमने। कौन सी लोकेशन पे? लियो वाली लोकेशन पे लेके चल, जल्दी चल लियो के पास जाना हमने। उठ शाका मेरी बात ध्यान से सुन ले, पूरी रात तूने मुझे तंग किया, पूरी रात हमारी नींद तूने खराब किया। अगर अब कोई तूने ड्रामेबाजी की तो शाका तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे सही कह रहा हूँ। सारी रात मैं अगर तुम्हारी नींद खराब ना करता तो मुझे नींद कैसे आने की? यार ये क्या कर रहा है दोस्तों, मेरी समझ से बाहर है। चल उठ, सारी बातें यहीं पे करनी है, उठ जल्दी कर। एक मिनट धक्के तो मत दो। फाइनली दोस्तों काफी सफर हमने तय कर लिया है, अबे यहाँ से कहाँ पे जाना है? और ये बिजली घर के मुझे पता है, आगे नहीं पता मुझे।
आगे क्यों नहीं पता यार, आगे मुझे भी नहीं पता ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है शाका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता होता तो मैं आपे उसे डायरेक्ट घर का लेके जाता, रात को घर में ले जाता। तू खुद ही तो कह रहा था कि रात को जहाँ पे मैंने लियो दिया मैं तुम्हें उस लोकेशन पे ले जाता। वो जगह का मुझे मालूम है और आगे का नहीं मुझे मालूम। बस ठीक है मुझे वहीं पे ले चल दोस्तों, वहीं पे चलते हैं। शाका जो है ना यार ड्रामे पे ड्रामेबाजी करी जा रहा है यार। अबे ड्रामे के क्या, मैं ड्रामा करूंगा? मैं क्यों ड्रामा करूंगा, मैं तो रात का खुद परेशान हूँ। सारी रात भूखा अंदर मार दिया तूने मुझे, तुझे जरा सी शर्म नहीं आई कि यार शाका भूखा मर रहा है, उसको कोई हड्डी शड्डी डाल दे। बस चुप कर जा। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंचता हूँ उस लोकेशन पे और वहीं पे जाके आपको मिलता हूँ। दोस्तों शाका फोन पे बात कर रहा है, एड्रेस का पता नहीं लग रहा, जल्दी फोन कर जल्दी। भाई शुक्र है यार तूने फोन उठा लिया यार, मैं तो रात को सारी रात करता रहा। लंबी बातें ना कर, पूछ किधर है बस, जल्दी एड्रेस पूछ यार। भाई तुम किधर हो? हम इस गली में आ चुके हैं और मुझे मिलो यार, मेरी जान छिड़वाओ, मैं फंसा हूँ इनके शिकंजे में, इनसे मेरी जान छिड़वा दो। ये तो मुझे भूखा मार मार के इन्होंने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो आओ मैं आपके गेट के बाहर इनको लेके आ रहा हूँ। वही कौन सा गेट है? चलो ठीक है ठीक है, मैं आ गया हूँ मैं आ गया हूँ। ये ना बता, हाँ मैं अकेला ही हूँ मैं अकेला ही हूँ। फाइनली जो है ना यार हम गेट के पास पहुँच चुके हैं। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ यही गेट है। गेट यही है। अच्छा आपने उनके सामने अभी यकदम नहीं होना, क्या लड़ाई हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी क्योंकि मैंने अकेले का उनको कहा है, उनको नहीं पता कि मेरे साथ ये मामला चल रहा है। बस ठीक है ठीक है। ये किधर ले आया? यहाँ पे तो भैंसे खड़ी हुई है। यही तो फार्म हाउस है उनका, यहाँ पे उतरे। चल नीचे उतर जल्दी कर, ये लोकेशन है ना, ये लोकेशन ध्यान से, ये मुझे पकड़ा दे, तू भाग ना जाए कहीं पे। सीधा सीधा यहीं पे लियो दिया था तूने? हाँ यहीं पे दिया था। चलो ध्यान से दोस्तों, यार ये दो जगह कुछ काफी मुझे नई नई लग रही है। शाका जी तू खुद ही आ गया इधर, हमें तुम्हारी तलाश थी। क्या हुआ भाई? दो नंबर बच्चा दे के गए मैं लूं, उसकी टिकट हो गई है। इन्हीं को दिया था तूने? तुमने हमसे लिए, तुम्हारी खैर नहीं है। भाई मेरी बात तो सुनो। मार इसको। ओए ओ भाई मेरी बात तो सुनो। ओए 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 शाका को मुठाई हो रही है, शाका की मुठाई हो रही है। दोस्तों आपका मसला क्या है, क्यों मार रहे हो शाका को? चार को हमारे साथ फ्रॉड किया था, इनके साथ ही तो फ्रॉड मैंने किया। अबे ये बाबे के साथ ही तो मैंने फ्रॉड किया। अंकल मेरी बात सुनो, आपके पैसों का मसला क्लियर हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो ना। चार करोड़ ना देगा, इसको हम बंद कर दोस्तों। देखो इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, लग रहा है यार ये शेरों के पास में। छोड़ दे भाई इसको, छोड़ दो यार। पैसे दे दो तो छोड़ देंगे। ओए दोस्तों ये पैसे मांग रहे हैं यार, अब क्या करें यार। शाका तूने मैं करता ना, फ्रॉड ना कर यार, अब मेरे से फ्रॉड हो गया, मैं क्या करूं। वो अंकल भी उधर भाग गए जिनके साथ मैंने फ्रॉड किया था, वो होते तो उनके साथ मैं नहीं। गाड़ी यहां खड़ी कर लो शाका को ले जाओ। ना ना बाबा मैं शेरों के पास नहीं रहूंगा। ओए मुझे दोस्तों शेरों के पास बंद करने लगे हैं शाका को। मैं तो जा रहा हूं। ओए दोस्तों शाका को फेंक रहे हैं शेर के पास। बस भाई तुम जाओ, पैसे ले आओ तो इसे ले जाओ। ओए दोस्तों यार शाका को उन्होंने रख लिया, वो कह रहे तुम जाओ लिया, बस पैसे ले आओ। अब तुम्हें हम नहीं देंगे शाका, जब तक पैसे नहीं लाओगे, पैसे लाओगे तो शाका को दे दोगे यार। तो फाइनली यार मैं तो अपनी जान बचा के आ चुका हूँ यार, बट शाका को ना उन्होंने पकड़ लिया और वाइट लाइन वाले केज के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। वो बोल रहे थे कि यार जब तक तुम चार खोखे नहीं लेकर आते, हम शाका को और लियो को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। यार यकीन मानो मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, मैं अपनी जान बचाई और फौरन से आ गया हूँ। डंडे वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं, कल हमें ना पूरी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा और लियो को और शाका को बचाना पड़ेगा। मगर यार उनके पास ना बहुत हैवी हैवी शेर है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। मुझे या तो पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि यार लियो हमें मिल जाए, वरना यार मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट में बताओ शाका को बचाएं ना बचाएं। अगर शाका को नहीं बचाते तो दोस्तों लियो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। बस यार दुआ में याद रखिएगा यार, वीडियो को लाइक, चैनल को मत सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करने लगा हूँ, मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।